एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स ने डीसी ऑफिस फाजिल्का के सामने हाईवे पर जाम लगाया। इससे पहले उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर पीड़ित पक्ष ने कहा कि एक ठेकेदार ने उसके चाचा और पिता के नाम से चेक बुक जारी करवा रखी है, जिसके चेक का वे कथित तौर पर दुरुपयोग कर रहा है। इस बारे में कई बार संबंधित पुलिस अधिकारियों से मिलने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हाईवे पर जाम लगाकर फाजिल्का पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। उधर एसपीएच फाजिल्का मनविंदर सिंह के उन्हें समझाने और उनको दिए आश्वासन के बाद उन्होंने अपना हाईवे पर लगाया जाम समाप्त कर दिया। मेरे ताई दी चेकबुक ठेकेदार विनीत कुमार चाव ने बैंक तो इशू करा रखी हैं, जिन्हें और मेरे फादर साहब की चेकबुक उन्हें इशू करा रखी हैं, जिन्हें चेक वो दुरवरतों कर रहा है, वक्त थावों तो चेक लवा रहा है। इस तो इलावा उन्हें पुलिस प्रशासन को कहता मैं आप ही खुद मन रहा मैं 5000 रुपये रिश्वत दी है, 50000 रुपये वो कहता मैं दे के पुलिस को परचा दर्ज करा सकता इन्हें। एक रिकूड़ी वाले पिंड के वाटर वर्क की इंक्वायरी हुई थी, जिते कहता मैं 50000 रुपये एक्शन में दिता, 1,00,000 रुपया मैं विजिलेंस में दे के आपकी जांच जी रफा दफा करवा दी। इस तो लगता भी यह बंदा वैसे प्रॉपर्टी है। 8 तरीक में हबोर डीएसपी साहब हबोर से धरना लाया थी, तो धरने दौरान उन्हें कहा सू 2 दिन का समा दो, 2 दिन बाद अभी कार्रवाई करा। अं 2 दिन बाद गए तो कहते जी दरखास्त वो दफ्तर दाखिल होगी, तो जबकि ना कहते SHO साहब को CT1 अच्छे 2 दिन बाद CT1 तो पूछा तो वो कहते थोड़ी दरखास्त जी दफ्तर दाखिल होगी या गुम होगी। कहते असी इतने फिर SPS साहब की 20 तरीक में धरना जो लाया SPS साहब ने सू बुलाया, तो इन्होंने कहते जी दफ्तर दाखिल होगी दरखास्त। 30 नंबर PC ब्रांच में अभी पूछा जो जाके तो कहते दरखास्त है दफ्तर दाखिल नहीं, दरखास्त थोड़ी पेंडिंग हुई है। तो जान बुझ के पुलिस प्रशासन जो होर वो आपके SP साहब ने गुमराह कर रहे हैं, SP साहब को झूठ बोल रहे हैं। उधर जाके साथ कमेटी आई एक बार इन डिस्कस करके तुम हमने 5 मिनट बाद रिजल्ट दें भी की करते हैं। SPS साहब न हुई है कमेटी गई अंदर, मैं नहीं गया कमेटी हमारा उन्होंने तो गोंगलों तो मिट्टी झड़ रहे हो, कहते असं जिसके खिलाफ दरखास्त दी वो गल कर रहे हैं जी, वो 3 दिन बाद आऊगा। मतलब मुलजम नाल ही पुछ गिछ के कार्रवाई करेंगे पुलिस वाले। इन्हें कपड़ा तो बहुत बड़ा किया, एक सोसायटी भी जी आपके फर्म आपके घर के नाम से रजिस्टर करा रखी है, जो कि लेबर सोसायटी है। जबकि लेबर सोसायटी का ना वो मैंबर है ना ही मैंबर बन सकता ठेकेदार है, जोड़ा क्योंकि लेबर सोसायटी के 8 किलोमीटर के घेरे की जोड़ा वो मैंबर बन सकता है। वो भी उन्हें आपके मोबाइल नंबर दे के आपका एड्रैस दे के आपके एड्रैस रिटर्न भरिया उस सोसायटी दी, वो भी अभी दिखा दी जी। ये नहरी महकमे के ठेकेदार है तो सेम नाल डिपार्टमेंट ठेकेदार ऑलरेडी जो मैटर हैगा वा वो DSP साहब ने जिड़िया कंप्लेंट्स है वो फाइल करते हैं, फिर भी एक मैटर कहते पे एक ही है वा वो मैं DSP साहब को कह दिता बोर्ड के उन्होंने को चल जाते हैं, और जोड़ा एक मैटर रह गया कोई बूटा सिंह का वो देख लेंगे मैटर की है। कोई यह गलबात तुम्हें सुने ताे सामने मैं गल की है, कोई लोगों से गल की नहीं है, तुम्हें पता कि सुनते पे सब। इस मुद्दे पर संबंधित ठेकेदार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ की गई कई पुलिस शिकायतों में से बहुत सी शिकायतों की जांच के बाद उनका फैसला उसके हक में हुआ है। उसने बताया कि उनके द्वारा उसके खिलाफ किए गए करीब 1 दर्जन कोर्ट केसों में से 4 का फैसला हो चुका है, जिसमें उसे निर्दोष करार दिया गया है।